आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर घमासान मचने के बाद राहुल गांधी की सफाई। अमेरिका में बोले, आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, आरक्षण की सीमा 50% से आगे ले जाने का पक्षधर। बीजेपी बनी हुई है हमलावर। राहुल गांधी के सिखों की पगड़ी वाले बयान का खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने किया समर्थन। राहुल के कार्यक्रम में खालिस्तानी समर्थकों की मौजूदगी का किया दावा। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस का हाथ फिर आतंकियों के साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आपने जारी की 11 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। कांग्रेस से आप में आए भीम सिंह राठी को रादौर से टिकट और बीजेपी से आप में आए सतीश यादव को रिवाड़ी से टिकट। अभिनेता राजकुमार राव के बहनोई भी उम्मीदवार। हरियाणा चुनाव के लिए आज बीजेपी का मेगा नामांकन। अनिल विज और जेपी दलाल समेत बीजेपी के 25 कैंडिडेट्स दाखिल करेंगे पर्चा। जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार दिनेश फोगाट भी करेंगी नामांकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। शिमला के संजौली मस्जिद के खिलाफ आज 11 बजे हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। पुलिस ने एक जगह 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर लगाई रोक। प्रदर्शन से पहले संजौली में पुलिस का फ्लैग मार्च। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का कहर जारी। आधी रात को फिर किया बच्ची पर हमला। अब तक 5 भेड़िए पकड़े गए लेकिन एक भेड़िया अभी फरार। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी। बातचीत के लिए ममता के बुलावे को भी डॉक्टरों ने नकारा। नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिका में पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच एबीसी न्यूज चैनल पर तीखी बहस। पतंजलि न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।